हेलो हाय एवरीवन, दिस इज निखिल दुबे। वेलकम टू सिंपल वाली पढ़ाई। हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 का एग्ज़ाम 12 सितंबर को हो चुका है, और अगर आपने अभी तक पेपर 2 की आंसर की नहीं देखी है तो आप यहां से अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सिर्फ 33% पेपर 2 में स्कोर करना है, जो काफ़ी ईजी था। अगर आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा है, या अगर आपका मैथ्स काफ़ी अच्छी है, या अगर आप रीजनिंग में काफ़ी अच्छे हो, तो इसलिए आप 33 स्कोर कर सकते हो इस एग्ज़ाम में। अगर बाई चांस आपने इस एग्ज़ाम में 33 स्कोर नहीं किया है, तो उस केस में अगर आपके पेपर 1 में 75 हो, या 80 हो, या 85 हो, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको जो फाइनल सिलेक्शन है प्रीलिम्स में वो नहीं मिलेगा। तो ये कुछ आंसर्स हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, क्वेश्चन के साथ साथ जो मैंने ये सर्कल किया है, ये करेक्ट आंसर्स हैं। ऑलमोस्ट सारे आंसर्स 96 to 97 सही हैं। हाँ, तीन चार आंसर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके लिए हमें हरियाणा की जो ऑफिशियल आंसर की जब आएगी उसका वेट करना पड़ेगा, तो तभी फाइनल हो पाएगा कि उन तीन चार क्वेश्चन जिन पे डाउट है उनका क्या आंसर होगा। आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स चेक कर सकते हो, इंग्लिश के पैराग्राफ्स हो, मैथ्स के क्वेश्चन हो, रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, वो सारे मैंने इस PDF में अपलोड कर दिए हैं। इसका जो PDF का लिंक है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप इस पेपर को PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो जितना भी आपका स्कोर है वो उसी के अकॉर्डिंग, अगर आप 33, तो अब मुझे पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो 33 स्कोर करेंगे। तो ऑब्वियसली आप फिर पेपर 1 में अगर आपका अच्छा स्कोर है, देन आप मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो ये है एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करनी है, कि अगर आपने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स 2021 का फॉर्म भरा है, तो उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जो उसका एग्ज़ाम है वो 26 सितंबर 2021 को होगा। तो अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके पास एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, उसको आपको भरना है कि आप कोरोना नेगेटिव हों, या आपके पास अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोजेज ले ली हैं उस केस में आपको एंट्री मिल जाएंगी, या फिर आपके पास 72 घंटे पुराना नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट की। तो उससे रिलेटेड मैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस लाने वाला हूँ, छोटी छोटी 3-4 वीडियोस, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपको इसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और टिल देन, इट्स मी निखिल दुबे साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।